मैं 9 साल वाले भी आज देसी मुर्गा बनाने की तैयारी चल रही है। ये हमारे साबिर भाई हैं, ये देसी पर तलवा लगा रहे हैं। क्या बोलते हैं साबिर भाई इसको, ये जो मट्टी लगा रहे हैं तला? अच्छा, इसका क्या बेनिफिट होता है जी? साफ सुथरा रहेगा। ये प्रोसीजर चल रहा है जी हमारा, तला तला लगाने का, उसके बाद में आगे का प्रोसीजर होगा। साबिर भाई ने चूल्हा तैयार कर दिया है और तेल तेल भी चढ़ा दिया है, सरसों का तेल। प्याज कटी हुई है, सरसों के तेल में देसी मुर्गा बनाने की तैयारी है। तेल चढ़ाने के बाद प्याज डाली जा रही है इसमें। प्याज बराबर करेंगे भाई, ये देखिए दोस्तों, प्याज डाली जा रही है हमारे साबिर भाई के द्वारा। ये बहुत ही अच्छे खानसामा है। ये देखिए दोस्तों, तेल में प्याज मिक्स की जा रही है। तरीके से पतीले में चूल्हे पर देसी मुर्गे की रेसिपी तैयार। साबिर भाई, ये जो देसी मुर्गा आपने हिसाब करके काट के रखा है, इसका कौन सी रेसिपी बना रहे हो आप? देसी मुर्गा है जो, कौरमा बना रहे हो या शाही चिकन या क्या, कौन सी चीज़ है? एक बार लाहौरी चिकन बनेगा इसका। लाहौरी चिकन? हाँ। ये हमारे साबिर भाई ने प्याज ब्राउन कर दिए हैं। साबिर भाई प्याज ब्राउन किए हैं, ये उनका क्या इस्तेमाल होगा? कलर आता है इससे, टेस्ट भी आता है प्याज से। साबिर भाई ने देखिए पेस्ट डाल दिया है देगची में। ये किस किस चीज का पेस्ट है साबिर भाई, बताना जरा दर्शकों को। अदरक का है, लहसुन का है और मिर्च का पेस्ट है। हरी मिर्च में बनाएंगे, ऐसा आएगा पूरा मिर्च तो आ जाओ, तेल भी 10 नहीं लगेंगे। यार हरी मिर्च का अच्छा रहता है। ये हमारे किसान भाई हैं, एक अंदर मसाले दे रखे ना, जा बेटा अंदर से मसाले लेगा बड़ा भाई। ये साबिर भाई ने कश्मीरी
कश्मीरी मिर्च। कश्मीरी मिर्च कलर के लिए। अच्छा, और क्या क्या डाल रहे हो? खोल दे भाई, खोल दे भाई। एक एक वो जो मारे था ना, वो कट गया गोश्त। बड़ा तो उठा के ला बेटा, वो गोश्त छह रहेगी। छह हो रही रिकॉर्डिंग इसमें, हो रही है। स्टॉप ना हो रहा है। दोस्तों, देसी तरीके से चूल्हे पर पतीली में मसाला भुना जा रहा है हमारे खानसामा साबिर के द्वारा। ये देखिए दोस्तों, ये चिकन डाला जा रहा है, देसी चिकन। इसमें मत नीचा सरका और मसाला लगा दो। देखिए दोस्तों, सारे भाई ने चिकन छोड़ दिया मसाले में, याद आ रहा है। देसी तरीके से देसी चिकन कोरमा बनाया जा रहा है हमारे खानसामा साबिर भाई के द्वारा। साबिर भाई मसाला डालने की तैयारी कर रहे हैं। धनिया पाउडर, धनिया पाउडर प्लास्टिक की चम्मच।
पैकेट में होगी पैकेट में साफ है ना ये देखिए दोस्तों नमक डाला जा रहा है स्वाद अनुसार आप नमक डाल सकते हैं ¿Qué es lo que se llama? ये देखिए दोस्तों कितना अच्छा कलर आ चुका है ये हमारे किसान भाई हैं ये भी एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं आपने कौन सा चैनल खोल रखा है बहुत बहुत शुभकामनाएं पेस्ट ये साबिर भाई किस चीज का पेस्ट है ब्राउन प्याज का पेस्ट है सही दही और जो हमने प्याज ब्राउन उसका पेस्ट है
अच्छा कलर आ चुका है। ये किस चीज का पेस्ट है साबिर भाई? दही और ब्राउन प्याज का पेस्ट। ये दो बार डाला जा रहा है, एक बार में इसमें मिक्सी में नहीं आया था, दो बार करके डाला जा रहा है। और अच्छी अच्छी वीडियो खाने पीने से रिलेटेड या और भी ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल जो नौशाद अलवी द नेटवर्कर पर विजिट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये हमारे छोटे भाई हैं, नाम बताओ अपना। साहिद, मोहम्मद साहिद अलवी। ये स्टूडेंट है, ये हमारे लिए गोश्त लेकर आए हैं के लिए। ये देखिए दोस्तों, जैसे शादियों में कोरमा तैयार किया जाता है, सेम इसी तरीके से हमारे साबिर भाई कामसामा द्वारा तैयार किया जा रहा है। देसी मुर्गे का कोरमा देसी तरीके से तैयार किया जा रहा है। ये हमारे किसान भाई लकड़ी लगा रहे हैं। लगभग आधे घंटे में कोरमा तैयार हो जाएगा। साबिर भाई कितना समय लगेगा कोरमा तैयार होने में? आधा घंटे में हमारी ये सारी कोरमे की रेसिपी तैयार हो जाएगी। बेहतरीन कलर आ चुका है साबिर वाला कोरमा। गरम मसाला तो डाला जा रहा है, मीट मसाला। देसी मुर्गे का शाही कोरमा देसी तरीके से बनाया जा रहा है, जैसा या शादियों में बनाया जाता है देख में उसी प्रकार। ये हमारे साबिर भाई है खानसामा। आप हमारे पास ऑर्डर भी दे सकते हो। ये किचन किंग मसाला एलेक्स कंपनी का डाला जा रहा है। देखिए दोस्तों कितना बेहतरीन कलर आ चुका है। और ये हमारी टीम है, हमारे साबिर भाई खानसामा
मेरा छोटा भाई है मुबारक अली, ये कपड़े की दुकान है। सागर भाई कोरमा तैयार हो चुका है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। दोस्तों शाही कोरमा हम सब खा चुके हैं और सुनिए मेरे चाचा शहजाद अलवी की जुबानी। हाँ जी, आपको कोरमा कैसा लगा? ये हमारे भाई साहब साबिर जी ने बनाया है। साबिर जी बताइए कोरमा आपको कैसा लगा? आएंगे इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।